आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अलीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर धरने की दी धमकी। औरैया में भारी बारिश से फसलें हुई बर्बाद, पेट भरने को मजबूर हुए किसान। गोरखपुर में रामलीला मैदान में बने जर्जर भवन को गिराया, रामलीला कमेटी ने जताई आपत्ति। कानपुर में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत, कई लोग हुए घायल। देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां हनुमंत बिहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एटीएम बूथ पर लोगों की मदद करने के बहाने उनका कार्ड बदल लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया। वहीं पुलिस की टीम ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक बैंकों के एटीएम कार्ड, नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम पुलिस यूनिट और हनुमंत विहार पुलिस स्टेशन के द्वारा एक जॉइंट एक्शन में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम यशवंत सिंह, सचिन साहनी और धनराज कुमार चौधरी है। ये तीनों लोग बड़े स्केल पे साइबर क्राइम में संलिप्त पाए गए हैं। ये लोग एक अपने मॉडस ऑपरेंडी की तरह तहत काम करते थे, जिसमें ये जो भी बुजुर्ग टाइप के लोग हैं जो ATMs को हैंडल नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाते थे और उनका ATM कार्ड बदल के उनके खातों से उनका पिन और बाकी सारे डिटेल्स प्राप्त करके उनके खातों से पैसा निकालते थे और उस पैसे से ऑनलाइन शॉपिंग और अन्य ज्वेलरी वगैरह भी खरीदते थे। खबर मैनपुरी से है, जहां खुशालूपुर मार्ग पर स्थित वीरान जंगल में पुलिस और सर्विस लांस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस के इस छापेमारी में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे और भी बारूद बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के आलाधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में अवैध असलहों को अन्य जनपदों में बेचने की जानकारी मिल रही थी। साथ ही पुलिस की टीम ने गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए। आज बरनाहल पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री जो राकेश पुत्र राम रूप द्वारा संचालित किया जा रहा था, पकड़ा गया। इनके कब्जे से 13 तमंचे बरामद हुए, शस्त्र बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए और इसके साथ एक रवि बंजारा है, वो मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि ये पहले में भी राकेश अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। इसके बारे में ये सूचना मिल रही थी कि अभी भी उसके द्वारा ये गतिविधि की जा रही है, जिस पर दबिश देकर इसके गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरे अभियुक्त की तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां NH-51 पर तेज रफ्तार ट्रक ने गेहूं लदे ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने इलाज के लिए पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अलीगढ़ में कुछ दिनों में सीएम आने वाले हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आने की संभावना के चलते जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं जिला प्रशासन ने विकास कार्यों की गति तेजी के साथ बढ़ा दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हैबिटेट सेंटर का उद्घाटन करने के साथ विकास कार्यों के निर्माण का निरीक्षण कर सकते हैं। ये नकवी पार्क, जवाहर पार्क जो है, इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो काम चल रहे हैं प्रथम दृष्टया, जो उसमें कितना हम लोगों का अचीवमेंट है,
जब से हमने यहाँ से निरीक्षण चालू किया, क्या प्रोग्रेस है उसको हम लोग मॉनिटर करने आए थे। तो क्या दिखा आपको यहाँ काम जो हो रहा है उससे आप कितने संतोषजनक हैं, क्या लगता है आपको काम की गुणवत्ता और सारी चीज़ें क्या लगी आपको? नहीं, काम में जो भी निर्देश दिए गए हैं वो उनको बता दिया गया है और प्रगति पहले से काफ़ी हुई है। जिस दिन से हमने स्टार्ट किया है मॉनिटरिंग करना तब से लेकर अब तक काफ़ी इन लोगों ने प्रगति किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, केवल संभावित है कि वो आने वाले किसी दिन में आ सकते हैं, तो उसके दृष्टिगत प्रशासन और जो इंतजामिया है वो सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाना है और इसके अलावा कानून व्यवस्था तथा विकास कार्यों का उनके द्वारा समीक्षा की जाएगी, तो उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसान के गन्ना भुगतान और शहर में भारी बारिश के कारण हो रहे जलभराव को लेकर सीएम योगी के नाम एक ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 15 दिन के अंदर उचित कार्यवाही न करने पर धरना प्रदर्शन करने की धमकी भी दी है। आज जो ज्ञापन है आम आदमी पार्टी अलीगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री जी को दिया गया जिलाधिकारी जी के माध्यम से, उसमें गन्ना किसानों का जो बकाया पैसा है वो भुगतान करे सरकार, 15 दिन के अंदर रेट बढ़ाए उसकी घोषणा करे। अब जो नया सत्र आ रहा है वो किसानों का गन्ना जाएगा, उसकी व्यवस्था ऐसी की जाए कि जैसे 5-5 दिन तो गन्ना लेने में लिया जाता है, रेट के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, भुगतान किया कोई निश्चित समय नहीं है। आम आदमी पार्टी जनपद अलीगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा आज किसानों की समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके जो पुराने भुगतान अभी रुके हुए हैं उनको तत्काल भुगतान दिए जाने के लिए है, तथा एक समर्थन मूल्य गन्ने का निश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। और दो समस्याएँ जनपद अलीगढ़ से संबंधित हैं, जो अभी भारी वर्षा हुई है कुछ दिनों पहले, उसमें जो कुछ रास्ते और जो शहर के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के संबंध ज्ञापन है। ज्ञापन यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी को आवश्यक कार्यवाही पहुंचा दिया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जहां पास्को एक्ट के तहत सजा काट रहे बंदी का संदिग्ध अवस्था में शव गमछे से लटका मिला है। जेल प्रशासन बंदी की हत्या पर कुछ भी कहने से बचता नजर आया और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। खबर हमीरपुर जिले से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने राठ कोतवाली पहुंच भगवान इंद्रदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि भारी बारिश में अनाज नष्ट हो गए, हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। साथ ही किसानों ने इंद्रदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैंने भगवान इंद्र के खिलाफ शिकायत की है। किस संबंध में शिकायत की? वर्षा के संबंध में सर, उसमें इतनी बारिश हुई थी, भगवान इंद्र जो है वर्षा के देवता हैं, जैसे मंत्रियों का पद होता है देवता में उनको मंत्री का पद मिला हुआ है वर्षा का, तो इनके खिलाफ ये देखिए पूरी फसलें चौपट बर्बाद हैं, कुछ गरीबों के मकान गिर गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। अगर किसी इंसान ने किया होता तो उसके खिलाफ शिकायत करती, ये तो केवल भगवान देवता ने ही इंद्र ने ही किया है। थाने से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने तो कोई आश्वासन नहीं दिया, वो कह रहे थे कि आप कानपुर में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घायलों को हैलेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गत रात्रि यह सूचना मिली कि पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में बुंदेलखंड राइस मिल जो है उसके अंदर में एक ब्रॉयलर फटने की सूचना मिली, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है तथा दो व्यक्ति घायल हुए। घायलों का इलाज हैलेट हॉस्पिटल में अभी चल रहा है, स्थिति अभी की स्थिति में खतरे से बाहर है। खबर हरदोई से है, जहां अंतर्राज्यीय सट्टेबाज का खुलासा हुआ जिनकी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि गिरोह के मुखिया ने कई बड़े नेताओं को सट्टेबाजी की काली कमाई से चुनाव में जीत दिलाई। बता दें कि सट्टेबाजी की राजनीति में खास पकड़ के चलते अभी तक इन पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
औरैया में सेंगनपुर के किसान, भारी बारिश से धान और बाजरा की फसल बर्बाद हुई है। इससे किसानों की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि धान और बाजरा की करीब 50 हेक्टेयर फसलें खराब हुई हैं। किसान पेट भरने को मजबूर हो गए। वहीं खेतों में भरे हुए बरसात के पानी से नुकसान के बढ़ने की आशंका है और अब तक प्रशासन ने कोई मुआवजा नहीं दिया और न ही सर्वे किया है। पहले तो बरसात अच्छी हुई, जिसको लेकर हम लोग उत्साहित थे कि समय से अच्छी बरसात हो गई, परंतु ये जो बेमौसम की अक्टूबर माह में बरसात हो गई, इसको लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने धान भी लगा रखा था, अरहर भी लगा रखी थी, बाजरा भी बोया था, ये बेमौसम की बरसात से सब चौपट हो गया, धान सब गिर गया, जिसके कारण कम से कम 50-60% हम लोगों का नुकसान हुआ है। नष्ट का था, बेमौसम बरसात हुई है, किसान तो बहुत पीड़ित परेशान है। लोन और कर्जा जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं, किसानों ने लोन लेके धानी अन्न फसल लगाई थी, सब नष्ट हो गई, गिर गई धानी, जैसे इसको KCC ऋण बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, इस पे पैसा उठा के लिया। अब किसान तो बस्थित तंगी पे मोड़ पे खड़ा हो गया कि किस तरीके से ये अपना कर्जा पटाएं, कैसे जीवन यापन हो, कैसे परिवार का भरण पोषण हो। आगरा में बने एशिया के सबसे बड़े पंचकुया कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है, जिसकी वजह से लोग अपने परिवारजनों की कब्रों को पत्थर और लोहे के रोशनदान लगाकर पक्का कर रहे हैं। तो वहीं कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही अन्य जगहों को भी कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद आगरा के शाही पंचकुया कब्रिस्तान ने भी बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि शाही कब्रिस्तान की कमेटी ने कब्रिस्तान में अब पक्की कब्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। देखिए, फैसला तो हमारे पुराने ही हैं, ये जब हमारी कमेटी बनी थी तभी हमने अपने प्रस्ताव पास कर लिए थे कि हमको इन इन विषयों पर काम करना है। तो बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान की थी नहीं, तत्कालीन सरकार में XML हमारे जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो साहब ने प्रयास करके उस बाउंड्री को करवाया और जितनी जगहें विवादित थी उनको सबको सारे मामलों को निपटा के हुए इन कामों को अंजाम दिया। अब उसके बाद में जहाँ जहाँ बारिश के मौसम में बाउंड्रियाँ गिर जाती हैं, वही इसके अंदर पैसा लगाते भी हैं और मैनेजमेंट के साथ खड़े रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां तालाब में जानवरों के अवशेष प्लास्टिक के बैग में भरे मिलने से इलाके के लोगों में आक्रोश का माहौल है। तो वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने PSC के जवानों का की मदद से शव से भरे बैगों को तालाब से निकालकर जांच के लिए भेज दिया। पूरी घटना पर SPCT ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है। वहीं भाजपा नेता और हिंदू संगठन के कई बड़े नेता भी घटना स्थल पर मौजूद रहे। शिकारपुर कस्बे के बाहर अनुसर रोड जाता है, वहाँ पर एक तालाब है, उसके पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पर कुछ अवशेष पाए गए हैं जो काफ़ी पुराने लग रहे हैं और उनको पशु चिकित्सक द्वारा उनका नमूना ले लिया गया है, जांच के लिए भेज दिया गया है। बाकी आगे की जांच की जा रही है और लोगों से पूछताछ करके इसमें आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। कोई सर अभी तक हिरासत में किन लोगों को लिया गया है? नहीं, अभी तो जो लोग आसपास के उन्हीं से पूछताछ की जा रही है और उसमें भी टीमें बनाई जा रही हैं, इसमें कार्रवाई कराई। गोरखपुर में रामलीला मैदान में एक जर्जर भवन को नगर पंचायत के कर्मचारियों ने JCB से ध्वस्त कर दिया, जिस पर रामलीला कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं इस भवन को गिराए जाने से नाराज लोगों ने रामलीला कमेटी के पदाधिकारी और कई लोगों ने थाने में पहुंचकर शिकायत भी की। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा ये एक यहाँ पर एक बात रखी गई थी कि नगर पंचायत के चेयरमैन और शासी अधिकारी द्वारा एक रामलीला कमेटी का एक पुराना जर्जर भवन था, जिसको उन्होंने बिना उनके संज्ञान में लाए ढा दिया है। इसी बात को लेकर वो आक्रोश थे। उनका ये भी कहना था कि ये चीज़ अभी छठ के बाद होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इसको गिरा दिया।
खबर देवरिया से है, जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी ने जाने से पूरे हिंदुस्तान में शोक लहर है। वहीं इस कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम लोग सैफई में नेताजी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। उस समय तमाम जगह पे शोकाकुल स्थिति थी और गायन के माध्यम से, चूंकि हम कलाकार हम लोग हैं और अपने साज और राग से भी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग गायन के माध्यम से कल भी दिए थे, आज भी नेताजी के लिए ये गम के माहौल में भी नेताजी के लिए जो उनका ऐतिहासिक कार्य था उसी के संदर्भ में हम लोग एक नेताजी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में ये गीत गायन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।